हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि वो क्या ऐसी आपकी अपनी हैबिट्स हैं और क्या ऐसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लगाने से आपकी स्किन जल्दी एज करती है या वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाती है. ये सब कुछ डिटेल के अंदर आज इस एपिसोड में. स्टे ट्यून्ड. अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख दें, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अपलोड कर देंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हैबिट्स कि क्या ऐसी हैबिट्स हैं आपकी, आपसे मुराद हमारे क्लाइंट्स की, जो आपके स्किन को फास्टर एज करते हैं. तीन हेडलाइंस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे. नंबर वन, कोलेजन लॉस कि क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके कोलेजन को डिटरेट करती हैं और उसको रीजेनरेट करने में डिले लाती हैं. नंबर टू, क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो आप करते हैं जिससे आपके रिंकल्स ज्यादा बनते हैं. और नंबर थ्री, क्या ऐसी आपकी हैबिट्स हैं जो आपके स्किन के अंदर डिसपिगमेंटेशन या पिगमेंट्री इश्यूज को जनरेट करती हैं, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे कि डुअल टोन वगैरह. सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट कोलेजन. क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके कोलेजन को डिटरेट कर रहे होते हैं और लेट बनने देते हैं या कम बनने देते हैं. नंबर वन, पुअर डाइट. आप डाइट कंज्यूम कर रहे हैं ऐसी जो कि आपके कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर रही, इंस्टेड कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स को पैदा कर रही है जो आपके कोलेजन को डिटरेट कर रहा है. जैसे कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या हाई फैट डाइट आपकी स्किन को एज ज्यादा करेगी, लेकिन इंस्टेड अगर आप गुड फाइबर डाइट अलॉन्ग विद गुड प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपकी स्किन में एजिंग कम होगी. स्पेसिफिकली डाइट के अंदर अगर आप बात करें शुगर्स की, हाई शुगर्स, हाई कार्बोहाइड्रेट और खासतौर पर वो फूड जो हम इंतहाई कुक कर करके चूल्हे के ऊपर बनाते हैं और उसको कुक कर करके उसके अपना जो गुड पार्ट है उसको हम वॉश ऑफ कर देते हैं और फिर हम कुछ ऐसा चीज खा रहे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं एजीज प्रोडक्शन को, तो उनको कंज्यूम कम करें. स्लाइटली कुक, लेसर कुक्ड, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट आप कंज्यूम करें विद अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड अ लॉट ऑफ गुड मिनरल मल्टीविटामिंस. ये आपके एजिंग को, स्किन एजिंग को रोकेगा भी और रिवर्स करने में भी हेल्प करेगा. नंबर टू, कीपिंग योर सेल्फ डिहाइड्रेटेड, यानी आप इनफ फ्लूइड्स टेकअप नहीं कर रहे और आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो ऑब्वियसली डल, ड्राइनेस एंड देन रिंकल फॉर्मेशन एंड पुअर कोलेजन फॉर्मेशन एक्सेट्रा. देन नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज. इफ यू आर अबव 20 एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज, आपने जल्दी बूढ़े हो जाना है. इसलिए आज के आज कोई ना कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें जो आपके बॉडी को कंफर्टेबल है या जो आप रोजाना कर सकते हैं उसको करें. जनरली एक्सरसाइज 4 to 5 days a week रेकमेंडेड होती है. यू कैन चूज द एक्सरसाइज पैटर्न अकॉर्डिंग टू योर ओन एज, अकॉर्डिंग टू योर ओन जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज. जैसे आपको अगर कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम है या आपको स्पाइन का कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई नेक का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको वर्टिगो होता है या एनीथिंग, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को स्मार्टली चूज करें. यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग. कार्डियो कर सकते हैं, हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, पिलाटेज कर सकते हैं, योगाज कर सकते हैं. सो व्हाटएवर एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू, यू शुड एक्सरसाइज, बिकॉज दोज पीपल हु डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू एज फास्टर एज कम्पेयर टू दोज हु एक्सरसाइज रेगुलरली. देन नॉट टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप. आप सोते ही नहीं है, पूरे पूरे रात जागते रहते हैं और दिन में कुछ 3-4 hours डिस्टर्ब स्लीप के साथ आप अपना नींद पूरा करते हैं. तो जो लोग कम सोते हैं और अपने राइट आवर्स पे नहीं सोते हैं, नाइट आवर्स में नहीं सोते, दे टेंड टू एज मोर और आपके स्किन के ऊपर एजिंग साइन ज्यादा आते हैं इफ यू हैवन हैड इनफ स्लीप. सो स्लीप वेल. देन स्ट्रेस. अगर आपके पर्सनैलिटी पार्ट है कि आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैपेसिटी कम रखते हैं, यू विल एज मोर, बिकॉज स्ट्रेस स्टिम्युलेट्स सर्टन हॉर्मोन्स दैट एक्सेलरेट्स एजिंग इन योर स्किन एंड द बॉडी. सो आइदर अपने स्ट्रेस टेकिंग को कम करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नॉलेज अपनी जनरेट करें कि आप कैसे स्ट्रेस अपना मैनेज करें, बिकॉज स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपके जॉब्स में, आपके अदर फैमिली लाइफ के अंदर, आपके अदरवाइज यू नो रिगार्डिंग योर ओन सेल्फ, यू कैन हैव stress on something starting from a pimple on your skin till not having a job and having a family to look after. Stress cause करता है, लेकिन इसको manage करें अच्छा, otherwise जो stress के factors हैं वो तो वहीं रहेंगे लेकिन आपकी skin ज़्यादा accelerate करेगी aging को. Consumption of alcohol and a lot of smoking will accelerate your aging. आपके dual tone को भी बढ़ाता है, wrinkles को भी बढ़ाता है, sunken eyes को, discoloration around eyes, discoloration around lips. So alcohol को consume ना करें और smoking को जितना कम quit कर सकते हैं और जितनी जल्दी quit कर सकते हैं उसको quit कर दें ताकि आपकी aging को stop किया जा सके. So for all those people जिनके अंदर ये सारी हैबिट्स हैं, उनको आज से उसके ऊपर काम करना है ताकि वो इन हैबिट्स को इम्प्रूव करें, ताकि वो 25 साल की उम्र में 40 साल के ना दिखें और वो अपने एजिंग को एक्सेलरेट होने से बचा सकें और रिवर्स एजिंग ऐसे काम करें जिनसे आपकी एजिंग के साइंस रिवर्स हो सकें. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट रिंकल्स, सबसे पहले जो आपके साइंस ऑफ एजिंग दिखना शुरू होते हैं, जिस जो आपके आपको वरी करते हैं आपके एजिंग को लेके, वो रिंकल्स उसमें से एक मेजर पार्ट है. माथे पे रिंकल्स आने शुरू हो गए, क्रोज फीट आने शुरू हो गए, अंडर आई लाइंस आना शुरू हो गए, पेरी ऑर्बिटल लाइंस आने शुरू हो गए, नेक लाइंस आने शुरू हो गए. इसके अंदर सबसे बड़ा
बड़ा रोल सन प्रोटेक्शन का है। अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो आपको रिंकल्स बनते हैं। सो प्लीज अपना सन प्रोटेक्शन प्रॉपर करें, बिकॉज यूवी रेडिएशन एक्सेलरेट्स द साइंस ऑफ एजिंग इन योर स्किन, एंड इफ यू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी लाइट तो फिर आपका जो आपका एजिंग है वो हॉल्ट हो जाता है या कम हो जाता है, ऑब्वियसली विद एज अदर फैक्टर्स मैटर टू। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगी, वो ये कि जो हमारी कम्युनिटी आजकल चूंकि डिस्टेंट जॉब्स करते हैं तो नाइट आवर्स के अंदर उनकी जॉब्स होती हैं या अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम होता है, देन दे डोंट कंसिडर इट एज अ मेजर पार्ट ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपका जो स्क्रीन्स हैं वो इमिट कर रही होती हैं यूवी लाइट, और सोर्स कोई भी हो यूवी लाइट का, सन हो या स्क्रीन्स हो या गाड़ी के अंदर बाहर से आ रहा हो, आपको एजिंग एक्सेलरेट करेगा, तो फिर आपको उसको अवॉइड करना है। तो अगर आप लॉन्ग आवर्स स्क्रीन काम कर रहे हैं तो स्क्रीन्स के ऊपर यूवी प्रोटेक्शन लगाएं, और स्क्रीन्स के ऊपर काम करने से पहले भी सनब्लॉक पहना करें ताकि आपको एब्सोल्यूट यूवी प्रोटेक्शन मिले और ताकि आपकी स्किन एज ना करे। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आजकल हम देखते हैं ऐसे लोग जो दिन में सो रहे होते हैं बिकॉज दे आर डूइंग नाइट जॉब्स एंड देन दे कंसीडर कि हमें पिगमेंटेशन आ रही है या हमें ड्यूअल टोन आ रहा है या डल हो रही है विद टाइम, वो इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं स्क्रीन्स के आगे। सो स्क्रीन्स के आगे यूवी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज इट इमिट्स लाइट। और जनरली अगर आपके घर के अंदर बहुत सारे बल्ब्स हैं या बड़ी बड़ी विंडोज हैं तो कंसीडर वेयरिंग सनब्लॉक ऑल ओवर द डे। रिंकल्स बनने की और बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि आप एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा देते हैं, जैसे आप इफ यू आर अ टीचर यू नीड टू फ्राउन, यू नीड टू रेज योर आईब्रोज, आपने बच्चों को डांटना है तो आपने आंखें चढ़ानी है और आपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है, आपने मुस्कुराना है। बैंकर्स हैं, स्ट्रेस जॉब्स हैं, हर वक्त फ्राउन किए हुए हैं, कुछ हैबिचुअल हो जाते हैं लोग फ्राउन करने के लिए, इनमें रिंकल बहुत ज्यादा बनते हैं। सो अगर आपकी हैबिट है फ्राउन करने की या आईब्रोज रेज करने की या बहुत ज्यादा ओवरली एक्सप्रेशन देने की बाय मसल मूवमेंट, तो प्लीज उसको कंटेन करें। इंस्टेड आई टेल माय पेशेंट्स कि आप स्क्रीन के सामने शीशे के सामने खड़े हों और देखें कि आप एक्सप्रेशन कैसे देते हैं और उस एक्सप्रेशन देने से आपके कितने रिंकल्स बनते हैं। वो रिंकल्स आप कंसिडर करें कि आने वाले कुछ सालों में परमानेंट हो जाएंगे आपके साथ, तो फिर ऐसे एक्सप्रेशन दें जो एक्सप्रेशन भी हो लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा रिंकल्स भी ना बने। अगर हाँ, एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और इट नीड्स अटेंशन टू हमारे वो खवातीन या वो मर्द हजरात जो 40 पे पहुंच जाते हैं और उनकी आई साइट वीक हो जाती है। तो चूंकि बहुत सारा आजकल ट्रेंड है ब्यूटिफिकेशन का और अच्छा दिखने का और एक्सपोजर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो पीपल डोंट लाइक वेयरिंग द सन ग्लासेस, इंस्टेड वो फ्राउन करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं एक्सप्रेशन दे के, चूंकि वो पढ़ना मुश्किल हो रहा होता है, तो यू नो दे ट्राई फोकस बाय यू नो ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अदर मसल्स इन एक्शन। बेहतर तो ये है कि आप अपना रीडिंग ग्लासेस पहने इंस्टेड के आप फ्राउन करते रहें या माथा चढ़ाते रहें फोकस बिल्ड करने के अंदर रीडिंग के लिए, तो आपको रिंकल्स कम बनेंगे। ओके, देन व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्कलरेशन ऑफ द फेस, ऑब्वियसली इट्स अनदर साइन ऑफ एजिंग और ये किन हैबिट्स की वजह से बन जाता है। नंबर वन, नॉट टू फॉरगेट अगेन, नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ सन प्रोटेक्शन, बाय सन प्रोटेक्शन आई मीन नॉट बीइंग प्रॉपरली कन्विंस्ड ऑन यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप धूप में जा रहे हैं, आप स्क्रीन्स के आगे काम कर रहे हैं, आपने सनब्लॉक पहना हुआ है, सनब्लॉक की चॉइस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक होना चाहिए, एटलीस्ट 40 और 50 अबव होना चाहिए, इसको आफ्टर एवरी 4 आवर्स आपको रीअप्लाई करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ज्यादा एज ना करे। एंड बिलीव यू मी, फॉर ऑल दोज पीपल जो आपके अपने स्किन को यूवी प्रोटेक्शन प्रॉपरली करते हैं जैसे रिकमेंडेड है, तो वो एजिंग के साइंस उनकी स्किन पे कम दिखते हैं व्हेन यू कंपेयर देम विद द अदर पीपल हु जस्ट गो आउट इन सन विदाउट एनी सन प्रोटेक्शन। और सन प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली क्रीम्स हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, सनब्लॉक्स के अंदर भी केमिकल सनस्क्रीन्स हैं, फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट पुट अप सम मास्क और समथिंग लाइक दैट टू कवर योर फेस टू ताकि आपकी सनलाइट ना पड़े। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगी, वो हमारे खवातीन हजरात जो ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर लेकिन दे डोंट कंसिडर कि उनको सनब्लॉक पहनना चाहिए बिकॉज वो उनकी गाड़ी में एयर कंडीशन होता है। सी, एयर कंडीशनर इज अनदर चैप्टर, दैट्स हीट, बट जो आपका विंडोज उसके अंदर यूवी लाइट तो आ रही होती है, पेनिट्रेट करती है, तो अनलेस एंड अंटिल आपने यूवी फिल्टर्स नहीं लगाए हुए विंडोज के अंदर तो ऑब्वियसली आपको सन प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर आपने लगाए भी हुए इवन देन बी वेरी विजिलेंट कि आप चेहरे के ऊपर सनब्लॉक भी लगाएं, चाहे केमिकल लगाएं चाहे फिजिकल लगाएं, व्हाटएवर सूट्स यू, बट सनब्लॉक इज अ प्रायोरिटी बिकॉज बाय जस्ट फोकसिंग ऑन सन प्रोटेक्शन यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज दैट कैन हैपन टू योर स्किन। सो एजिंग के साइंस के आने की बड़ी वजह यूवी डैमेज होता है स्किन को। नॉट टू फॉरगेट, आप अपना स्किन को प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं कर रहे होते, बिल्ट अप होता है आपकी स्किन के अंदर, वो वक्त के साथ साथ डिटेरेट हो रही होती है, एंड बाय प्रॉपर एक्सफोलिएशन ऑब्वियसली यू कैन इंप्रूव द स्किन टर्न over and you can improve the radiance and you can wash off fine wrinkles. So yes, proper exfoliate karein, and then we need to record another episode on retinol, which retinol is good, what skin type, what retinol, why not, when not, ye hum sab aane wale dinon ke andar record karke upload karenge inshallah. Stay tuned. After talking about the habits, what are the products that you're not applying properly and that are leading to your aging of the skin? Agar aap properly exfoliate nahi kar rahe hain ya over exfoliate kar rahe hain, dono surton mein aapke aging ke signs badh jayenge because under exfoliation will not provide you appropriate environment for the skin to be healthy, and over exfoliant will lead your skin to extreme dryness and will start damaging your skin, which will in turn land into more dry skin and more wrinkle formation and more dehydration. And then when you're not applying a
अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट दैट विल सूट योर स्किन. जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट ओवर द काउंटर खरीद लेते हैं, वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है या ओवर ऑयली कर देता है या किसी भी तरह से डैमेज कर देता है. तो ऑब्वियसली अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइस यूज करेंगे उससे आपके एजिंग के साइंस एक्सेलरेट होंगे. एजिंग के साइंस के अंदर रिंकल्स हो गए, सैगिंग हो गए, ओपन पोर्स हो गए, डिस्कलरेशन हो गया, डुअल टोन हो गया, ग्रेनेस हो गया. सो मैं जनरली आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी ऐसे कि अगर आप बॉडी को देखें तो आपके बॉडी का स्किन कम एज कर रहा होता है बिकॉज इज ऑलवेज कवर्ड और उसके ऊपर धूप छूप कम पड़ रही होती है और आप कोई इल प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लगा नहीं रहे होते. लेकिन अगर आप फेस को देखें तो और हाथों को देखें तो साइंस ऑफ एजिंग ज्यादा आ रहे होते हैं बिकॉज इज सो मच एक्सपोज टू द सन, इट्स सो मच प्रोडक्ट्स आर बीइंग अप्लाइड, आप फ्रीक्वेंट वॉशिंग कर रहे होते हैं, बार बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बार बार हाथों को धो रहे हैं, आपका जो सर्फ है, डिटर्जेंट है, वो आपके हाथों का मॉइस्चर सारा लेके उड़ जाता है और आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है, विच विल ऑब्वियसली लीड टू रिंकल फॉर्मेशन एंड यू नो डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फुट. ऑब्वियसली जब हम एंटी एजिंग की बात कर रहे थे, इट्स नॉट स्पेसिफिकली ओवर द फेस और द नेक, ऑब्वियसली ऑल एक्सपोज पार्ट्स हाथों का और पाओं का. सो अगर आपके जॉब टाइप में है, आप कुछ डोमेस्टिक वर्क करते हैं, घर के अंदर हैं, हाउस वाइफ है, करना पड़ता है, तो प्लीज आप अपने ग्लव्स पहना करें ताकि डिटर्जेंट का कॉन्टेक्ट आपकी स्किन के साथ ना हो. और अगर आप ड्राइवर हैं या ड्राइव करते हैं या आपको डेली खुद ड्राइव करना पड़ता है, हाथों के ऊपर ग्लव्स पहना करें ताकि सन की वजह से आपका जो कॉलेजन है वो डिट्रेट ना हो. अगर आप जनरली चेहरे के ऊपर एमोलिएंट्स लगा रहे हैं और प्रॉपर एक्सफोलिएंट्स यूज कर रहे हैं, प्रॉपर एएम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट ओवर द हैंड्स, व्हाई नॉट ओवर द नेक एंड व्हाई नॉट ओवर द फीट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप किचन शोर से फारिग हो गए या आपने डिश वॉशिंग कर ली, आपने कपड़े धो लिए, व्हाटएवर, आपने हाथों को वॉश किया, तो अपना प्रॉपर हाइड्रेशन करें ताकि आपके हाथ भी लेट एज करें. बिकॉज आपका हो सकता है स्किन आप बहुत ख्याल रख रहे हो 30 साल की उम्र में 20 साल की लग रही हो और हाथ जो है आप ख्याल नहीं रख रहे हैं 30 साल की उम्र में 60 साल के लग रहे हैं. पुटिंग अप रॉन्ग क्रीम्स, रॉन्ग क्रीम्स के अंदर मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ दोज फार्मूला क्रीम दैट आर इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर. ओटीसी मींस ओवर द काउंटर, 250, 300, 350 की डब्बी होती है, बड़ी मैजिकल रिजल्ट लाती है. आपने लगाया, वाव आ गया, आपको देख के 20 लोगों ने और खरीदा, उनका भी वाव आ गया और 3 महीने के बाद सब वहीं लैंड कर गए. आपकी स्किन इची हो गई, रेड हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गई, थिन हो गई, वेसल्स नजर आना शुरू हो गए हैं, स्किन बैरियर फंक्शन सारा डिरेंज हो गया और साथ साथ सन डैमेज बढ़ता जा रहा है बिकॉज सन फर्दर इन्फ्लेम कर रहा है स्किन को, इन्फ्लेमेशन की वजह से पिगमेंटेशन बन रही है एंड यू एंड अप इन अ होल डिजास्टर ऑफ द स्किन. फिर आप उसके हैबिचुअल बन जाते हैं क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी स्किन बड़ी डिटेरेट करती है, लेकिन अगर आप लगाते रहते हैं तो फिर भी डिटेरेट कर रही होती है, लेकिन वो जो आपको अगले दिन का जो एक ग्रेटिफिकेशन मिलती है उसको लगाने के बाद, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर बैठते हैं अगर आप हैबिचुअल हैं उन क्रीम्स को लगाने से. सो प्लीज दैट्स द बिगेस्ट crime you're doing to your skin, please don't apply those. और फिर हम you know जब patient से कहते हैं कि वो creams नहीं लगानी तो patient उसको छोड़ के Betaderm, Clobiderm, Clobivate, ointment लगाना शुरू हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, which is actually not a good idea for the face. आपके skin को वो age भी करता है, आपके skin पे hair आ जाते हैं, pigmentation आ जाती है और वो उन formula creams का part होता है, इसीलिए तो हम मना कर रहे होते हैं. So no Dermovate, no Clobivate, no Betnovate, no formula creams that are over the counter available. So please don't apply whitening creams just buying over the counter because they have some ill ingredients that will harm your skin. And then even if you're applying healthy ingredients, either you're applying in too much quantity or too lesser quantity or else you're applying too frequently. So iske liye humne ek episode record kiya tha AMPM routine ke liye, usko aap suniyega ki AMPM routine kya hai, kis skin ke liye kya cheez ingredients allowed hain, kya nahi lagane chahiye. Iske alawa jo aapko home remedies bahut acha lagta hai kyunki wo aap bada price friendly aapko lagta hai ki ghar mein se patta utara usko pata nahi nichod ke uske andar koi you know koi tomato mix karke muh pe laga liya, aisa nahi hai ki home remedies help nahi karti. लेकिन हमारी नॉलेज उसके लिए कम है कि हम उसको राइट अवे अप्लाई करना शुरू कर दें एंड देन यू डोंट नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू आर मिक्सिंग एंड व्हाट दे गोइंग टू टर्न अप. सो जो डीआईवाई है या जो 5 मिनट क्राफ्ट है, उससे जो आपको टिप्स मिलती हैं कि टूथपेस्ट के साथ बनाना को मिक्स करके चेहरे पे लगा लें या कोई कॉस्टिक सोडा लगा लें या एक्स वाई जी एनीथिंग, सो डोंट गो फॉर दोज बिकॉज दे डोंट हैव बैक्ड अप डाटा. इट विल जस्ट गिव यू शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन एंड नॉट श्योर कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या नुकसान देगा. ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर रिसर्च के बाद आ रहे होते हैं वो कोई ना कोई इंग्रेडिएंट इन्हीं चीजों से एक्सट्रैक्ट किया होता है और गुड इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके, उनको प्रोसेस करके, उनको सेफ्टी को एंश्योर करके आपके लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सो ऑलवेज बिलीव अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डीआईवाई हैक्स ऑन द स्किन. सो होम रेमेडीज को मैं इसलिए अवॉइड करने का कहती हूँ, उसकी वजह यह कि यू आर नॉट श्योर कि जो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं उनका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एंड यू आर नॉट श्योर जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए है भी कि नहीं, एंड यू आर नॉट श्योर कि आने वाले दिनों के अंदर वो आपको क्या नुकसान देगा, एंड देन यू आर नॉट श्योर कि उसको अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है तो उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए. नाउ कमिंग टू कि क्या प्रोसीजर्स हैं जो आप खुद करते हैं और क्या प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं जो आपके एज को एक्सेलरेट कर देते हैं. सबसे पहले आई विल टेक द नेम ऑफ फेशियल्स एंड ब्लीचेस. प्लीज नो ब्लीच. और आपके जो फेशियल्स भी होते हैं जिसमें आप बहुत सारी मसाजें करते हो, बहुत सारे केमिकल्स
लगा रहे होते हैं, प्लीज उसको अवॉइड करें अनलेस एंड अंटिल इट सूट्स योर स्किन, बिकॉज अगर आपको फेशियल्स के केमिकल सूट नहीं करते वो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन डिहाइड्रेशन बनाते हैं, और जब भी आपकी स्किन डिहाइड्रेट होगी इट विल बी मोर प्रोन टू रिंकल फॉर्मेशन. ठीक है, इसके बाद ये है कि क्या ऐसे ट्रीटमेंट जो हम करते हैं जिससे आपके एजिंग के साइन एक्सेलरेट करते हैं. एक्चुअली फॉर द ट्रीटमेंट्स आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अपना ट्रीटमेंट को राइट हैंड में कराइए. उसकी वजह यह है कि राइट ट्रीटमेंट फॉर द राइट पेशेंट will give you the right results. Right treatment for the wrong patient in the right hand will give you wrong results. So, कहने का मतलब ये है कि अगर आप expert hand में हैं, वो आपके हिसाब से आपका treatment plan करते हैं, तो वो treatment ठीक या कामयाब होता है. लेकिन अगर आप वही treatment किसी patient के लिए करते हैं और वो treatment तो ठीक होता है लेकिन आपने किया wrong होता है, तो वो wrong होता है. वो आपको land करता है एक further complication में. जैसे कि कुछ आजकल there are treatment जैसे कि RF हैं, radio frequencies हैं, tripolars हैं, HIFUs हैं, microneedlings हैं, microneedling RFs हैं. अगर ये wrongly done हो तो वो आपके aging के signs को accelerate कर देते. So, आपने जब भी ट्रीटमेंट प्लान करना है यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड ताकि वो आपको आपके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सके. नॉट दैट कि आप अपनी स्किन को केयरलेस हैंड्स के अंदर ना दें. ऑल दिस स्किन इंडस्ट्री और एस्थेटिक इंडस्ट्री इज बिकमिंग कमर्शियल डे बाय डे. बाय कमर्शियल आई मीन टू से कि इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन एक्सपर्ट्स उनके पास नहीं है, और यू नो दे हैव हैड 2-3-4 इक्विपमेंट्स. वो आपको ऑफर करते हैं कि ये भी करा लें, वो भी करा लें, वो भी करा लें. आई मीन करा सब लें, बट इज इट एक्चुअली नीडेड फॉर योर स्किन? देयर इज वेयर यू नीडेड एन एक्सपर्ट एडवाइस. और अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो फिर ट्रीटमेंट भी एक्सपर्ट हैंड्स में कराएंगे, और फिर आपके पास सारी चॉइसेस की ऑप्शन होनी चाहिए कि क्या क्या चॉइसेस हैं और क्या गुड है आपके स्किन के लिए और क्या उसमें बैड पॉइंट्स हैं जो आप अवॉइड करना है, और फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या आफ्टर केयर करनी है. अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट एंडिंग इन टू डिजास्टर आई सी, बिकॉज इफ यू विजिट सम ऑफ द सेंटर जिनके पास कुछ इक्विपमेंट तो इंस्टॉल्ड है लेकिन या तो वो सब स्टैंडर्ड है या उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है कि वो कैसे होना चाहिए या किसको होना चाहिए. हैविंग 50 sort of treatments available doesn't make all the clients eligible for all those 50 treatments. I mean, aesthetics is not that you do Botox, you do fillers, you do microneedling, you do PRP, you do QCIS, you do hydrafacial, etc. Aesthetics is you are 20 years old, what should be done to you? You are 35 years old, you're a teacher, you're exposed to sunlight, what should be done to you? You're a smoker yourself, what should be done to you? I will always request my clients to visit always experts of your town to avoid any disasters to your skin. So when you talk about HIFU, why I've named HIFU? Because HIFU is a very very famous treatment all over the world. Lekin HIFU kuch jagahon pe acha hai aur kuch jagahon pe uske parallel mein other choices hain jo behtar kaam karti hain. Like when you talk about double chin reduction, आपने fat खत्म करना chin के अंदर से, excellent, बहुत बेहतरीन option है. लेकिन अगर आप 40s में हैं और आप already lean हैं और आपके चेहरे पे already fat नहीं है, आपने चेहरे पे HIFU किया, आपका remaining fat भी खत्म हो गया, तो फिर आपकी जिल्द और ढलक जाएगी. See, so there where the HIFU is not a best suited treatment. So study the treatment, rediscuss it with your doctor, and then take the treatments on your skin. Just don't go crazy with the treatments. And then when I talk about microneedling के अंदर obviously there are choices, जैसे एक मॉर्फियस ट्रीटमेंट है. अगर आप मॉर्फियस करते हैं और आपका डेप्थ अप्रोप्रिएट नहीं है, वो भी आपके स्किन के फैट को डिसॉल्व कर देता है और आपकी स्किन सैग कर जाती है. सो कोई भी माइक्रोनीडलिंग लेते हुए, स्पेसिफिकली यू नो माइक्रोनीडलिंग RF, जैसे आपका मैंने तस्करा किया मॉर्फियस का, तो अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं करते तो वो आपके साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स करने के बजाय बढ़ा देता है, या कुछ साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स कर देता है और कुछ को बढ़ा देता है. जैसे हो सकता है कोलेजन को इंप्रूव कर दे लेकिन फैट को डिसॉल्व कर दे, तो स्किन की क्वालिटी अच्छी हो गई लेकिन लीन हो गया, जिन लटक गई. अगर फर्दर किसी ट्रीटमेंट के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली यू कैन एट द ट्रीटमेंट विल अपडेट द इन्फो अबाउट दैट. सो अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. आई एम रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, दैट टू विद फुली इक्विप्ड सर्विसेज रिलेटेड टू हेयर, नेल एंड स्किन. यू टॉक अबाउट एंटी एजिंग सर्विसेज, माइक्रोनीडलिंग, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, एवरीथिंग under one roof. You can visit at any of our branch. If you want a second opinion, third opinion, you want a consultation, you want to discuss some of your skin or hair issues, you can fall in.